स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टी एस एग्री अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बी एस सी एजी सेकेंड सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर का जो हमारा आज का एग्जाम पेपर है क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड का, रवि क्रॉप का, उसका फुल सॉल्यूशंस के बारे में दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करें जिससे कि उसको भी इस चीज़ का भरपूर लाभ मिल सके और वो भी अपना क्वेश्चन सही से हल कर सके, यानी मिला सके कि उसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो गाइज़ प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों हम चलेंगे बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो दोस्तों यहाँ पर दिया हमारे पास जो बुकलेट सीरीज है वो डी है, इस हिसाब से अपना मैनेज करना आप लोग। नेक्स्ट है हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है गाइज, वो है कि पौष्टिक रूप से सूरजमुखी का तेल अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में कुछ हद तक बेहतर हो है क्योंकि क्योंकि इसमें जो है कि संतृप्त वसीय अम्लों का अधिक अनुपात तथा कम संतृप्त वसियों का पौष्टिक अम्लवात, ये सभी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है था वो बी और ए दोनों सही था, यानी कि ए भी, तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कि सूरजमुखी का उद्गम स्थल वाला है, तो दोस्तों सूरजमुखी का उद्गम स्थल है हमारा वो है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन हमारा ए राइट है। ठीक है नेक्स्ट होगा कि हेलियंथस एनुअस का एलआईडी स्तर है, दोस्तों हेलियंथस एनुअस का एलआईडी स्तर क्या है, वो हमारा है 2n = 2x = 34, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो ए राइट होगा गाइस, ए राइट होगा। नेक्स्ट होगा कि क्वेश्चन नंबर फोर दिया है सूरजमुखी का पुष्करम है, दोस्तों सूरजमुखी का पुष्करम क्या है, दोस्तों सूरजमुखी का जो पुष्करम हमारा होता है वो होता है कैपिटल या हेड, कैपिटल या हेड, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए राइट होगा गाइस, ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया है कि सूरजमुखी एक घटना को दर्शाया है जिसमें कहा जाता है कि सूरजमुखी विकासशील हेड सुबह पूर्व उत्तर से 50 से 70 डिग्री का सामना करते हैं सूर्य की गति पालन करता है, यानी कि इसके क्वेश्चन का अर्थ है कि सूरजमुखी जब फूल होता है वो सूरज की दिशा में ही मूव करता है, यानी सुबह सूर्य जिस दिशा में होगा उसका सूर्यमुखी हमारी उसी दिशा में होगी और शाम को सूरज के अस्त होने की दिशा में होगी, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है नेक्स्ट होगा कि सिक्स नंबर 1920 के दशक में शुरुआत में तेल की मात्रा को लगभग 30% से बढ़ाकर वर्तमान में 50% से अधिक करने के लिए सूरजमुखी की अत्यधिक सफल प्रजनन विधि है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ होगा क्वेश्चन नंबर हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका ये होगा ऑप्शन नंबर सी संचय की पुष्टो वोइट, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। नेक्स्ट होगा कि भारत में तीन सबसे बड़े मटर उत्पादक राज्यों के नाम दोस्तों कौन कौन से हैं, वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर वी राइट है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर जो एट है कि एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ट्रू पोटैटो सीड की आवश्यकता होती है गाइस, ये होती है 100 ग्राम गाइस, अगर आप लोगों को ने हमारे चैनल पर वीडियो देखे हो तो आप को ये सारे क्वेश्चन सही जाने चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कल के वीडियो से फंसे थे। नेक्स्ट होगा कि गार्डन मटर का वनस्पति नाम है, दोस्तों गार्डन मटर का वनस्पति नाम क्या होता है, वो होता है पाइसम सटाइबम तथा वेराइटी हॉर्टस, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा वेराइटी हॉर्टस, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर नाइन का। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन में कि आलू का सबसे गंभीर रोग है दोस्तों कौन सा है, वो है लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट जिसे कि आयरलैंड फेमाइल भी इसी कारण आई थी सन 1845 में। ठीक है नेक्स्ट होगा ऑप्शन सी होगा 10 का 11 नंबर में है कि आलू के कंद हरे रंग के दिखाई देने का कारण होता है, दोस्तों क्या कारण होता है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ होता है सोने लिन, मगर वो ऑप्शन हमें नहीं दिया गया तो ऑप्शन नंबर हमारा नॉन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा 11 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 कि गन्ने की खोई का उपयोग के उत्पादन के लिए किया जाता है, दोस्तों गन्ने की खोई का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ये सभी ऑप्शन हमारे राइट होंगे, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। 13 नंबर का होगा, 13 नंबर देखते हैं कि भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों ये हमारा करनाल हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 नंबर में दिया है कि गेहूँ के दाने के मध्य वक्र अक्ष को कहते हैं, दोस्तों गेहूँ के दाने के बीच में जो वक्र मध्य अक्ष होता है यानी बीच की जो धारा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर है वो है रैचिस, रैचिस ऑप्शन नंबर सी, जिसे जो बीच में धारा होती है उसे हम लोग कहते हैं रैचिस। ठीक है नेक्स्ट कि आलू के पौधे में लगने वाले फल को कहते हैं, दोस्तों क्या कहते हैं, आलू में फल लगने वाले फल को कहते हैं वॉल, वॉल। ठीक है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा 15 का। नेक्स्ट होगा 16 नंबर की चना का मूल स्थान किसे माना जाता है, चने का मूल स्थान किसे माना जाता है क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो दक्षिण पूर्वी तुर्की या सबसे उसे सटा हुआ सीरिया,
तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन नंबर डी 16 का। नेक्स्ट होगा 17 नंबर की मटर के फूल होते हैं दोस्तों, कैसे होते हैं मटर के फूल हमारे होते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 17 का करेक्ट आंसर है वो है यूनिसेक्सुअल यानी कि एकलिंगी, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि हेक्साप्लॉयड गेहूं में डी जीनोम का स्रोत क्या है दोस्तों, हेक्साप्लॉयड गेहूं में डी जीनोम का स्रोत क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो दोस्तों टीटीकम चौसाई, टीटीकम चौसाई ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा 18 का। नेक्स्ट हम 19 है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति के गन्ने की खेती की जाती है, यानी किस प्रजाति के गन्ने की खेती की जाती है दोस्तों, इन सभी की खेती की जाती है तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट होगा क्योंकि सभी की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 1920 होगा कि सेकेरम ऑफिसिनेरम का सबसे संभावित जंगली प्रजनन करता है, तो सबसे संभावित जो जंगली प्रजनन करता है दोस्तों वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी यस सॉप्टेनियम या स्पोटेनियम, जो करेक्ट आंसर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि गेहूं की फसल में पुष्प गुंज से पहले सबसे ऊपर वाली पत्ती कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, गेहूं की फसल के पुष्पक्रम में सबसे ऊपर पुष्पक्रम की ऊपर वाली पत्ती होती है क्या कहलाती है, वो कहलाती है फ्लैग लीफ, फ्लैग लीफ ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा फ्लैग लीफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 होगा कि ड्यूरम गेहूं में पोलाइडी स्तर क्या है दोस्तों, ड्यूरम गेहूं का जो पोलाइडी स्तर है वो क्या है, वो है टेट्रा पोलाइडी, टेट्रा पोलाइडी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट है कि क्लब क्लब गेहूं का वनस्पति नाम है दोस्तों, क्लब गेहूं का जो वनस्पति नाम क्या है वो है टेटिकम कॉम्पैक्टम, टेटिकम कॉम्पैक्टम, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट होगा 24 की, 24 का क्या रहेगा, कुछ गेहूं के आटे में अच्छी गुणवत्ता के बीज वाली ब्रेड बनाने के लिए सही स्थिरता में डो बनाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, ऐसे आटे को कहा जाता है दोस्तों, ऐसे आटे को क्या कहा जाता है, ऐसे आटे को प्रवाल यानी कि स्ट्रोल आटा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि गन्ने में मार्केटिंग को क्या कहते हैं, गन्ने में मार्कोटिंग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या कहते हैं वो ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट होगा, आगामी संकरण उद्देश्यों के लिए कृत्रिम जड़ों के माध्यम से गन्ने को अलग 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 करने की एक तकनीक है, ठीक है, मार्कोटिंग जो है क्वेश्चन नंबर 25 है ऑप्शन ए। नेक्स्ट होगा कि 26 में दिया किससे ने नॉरिंगटन ब्रेवर लाइन विकसित की, जो गेहूं में दो वन्य जीनों की मुख्य स्रोत बन गई है दोस्तों, किसने की वो की है, क्वेश्चन नंबर जो 26 है, 26 का करेक्ट आंसर वो है ओ बोगेल ने, ऑप्शन नंबर हमारा ओ बोगेल ने विकसित की। इसके बाद नेक्स्ट होगा कि 27 पानी में अघुलनशील गेहूं के आटा में प्रोटीन अंश को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, वो होता है लाइसिन, लाइसिन ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा यहाँ पर लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, 29 कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी कथन सही है हमारे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 28 का। इसके बाद नेक्स्ट होगा कि 23 29 की गन्ना है एक, दोस्तों गन्ना क्या है, गन्ना ये सभी है यानी कि इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा 29 में। और 30 का देखते हैं कि अष्टगुणित गन्ने में प्रजाति में सेगेरम ऑफिसिनेरम की उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, क्या मानी जाती है, वो मानी जाती है न्यू गिनी में, न्यू गिनी में यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा 30 का। नेक्स्ट होगा 31 की निम्नलिखित में से किस फसल की C3 प्रकाश संश्लेषण मार्ग होता है दोस्तों, किसमें होता है, क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यानी कि गेहूँ, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि गेहूँ में प्रोटीन के लिए होनहार दाता कौन है दोस्तों, गेहूँ में प्रोटीन के लिए होनहार दाता कौन है, 32 है, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए और बी दोनों, ठीक है, एटलस तथा नेपाल ये दोनों हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट होगा कि चने के पौधे की सतह से स्रावित अम्लों को भिन्न प्रकार के होते हैं दोस्तों, चने के पौधे में जो कौन कौन से अम्ल होते हैं दोस्तों, वो होते हैं मौलिक ऑक्जैलिक और साइट्रिक, ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट होगा 34, 34 में दिया गया है दालें हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं, तो दोस्तों वो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ए और बी दोनों 34 का, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि चने को संभावित जंगली प्रजननकर्ता कौन है, चने के जो संभावित जंगली प्रजननकर्ता कौन है वो हमारे हैं सिसर रेटिकुलेटम, सिसर रेटिकुलेटम ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। 35 का नेक्स्ट होगा 36 किस प्रकार के चने में गर्वन जोस ग्राम भी कहा जाता है, 36 है, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, काबुली प्रकार का, काबुली प्रकार का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होगा कि पहली मशीन कटाई योग्य चने की किस्म कौन सी है, तो दोस्तों इसमें जो है वो है हमारी ऑप्शन सी विजय, ठीक है, विजय। नेक्स्ट होगा कि 38 दिया है सामान्यतः गन्ने के पुष्पक्रम या टेसल को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है,
वो उसे कहा जाता है एरो। ऑप्शन नंबर हमारा भी राइट होगा, एरो नेक्स्ट होगा कि 39। उच्च चीनी सामग्री, उच्च रस शुद्धता, कम गैर सरगरा और स्टार्च, उच्च व्यक्तिगत डंठल वजन, कम फाइबर सामग्री, प्रारंभिक परिपक्वता प्रबंधन, प्रति उत्तरदायी, उच्च उत्पादकता, गन्ने की किस प्रजाति की विशेषता है दोस्तों? गन्ने की किस प्रजाति की विशेषता है? वो है दोस्तों सेगेरम ओबिसिनेरम की। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट होगा कि गन्ने के डंठल को कुचलने और रस निकालने के बाद रेशेदार अवशेष को कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 का करेक्ट आंसर उसे कहा जाता है बेगास। ऑप्शन नंबर हमारा सही राइट होगा। नेक्स्ट होगा कि गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना हुई दोस्तों? गन्ना प्रजनन की संस्थान की स्थापना सन 1912 में कोयम्बटूर में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि 42 है, गन्ने के पुष्करम में आमतौर पर कितने सूक्ष्म फूल आते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर नहीं है, तो इसको हम डाउट में डाल रहे हैं क्योंकि कोई सटीक आंसर ही नहीं मिला इसका हमें। नेक्स्ट होगा 43 की ब्रेसिका जंसिका किसके बीज की एम्पलीप्लॉयड है दोस्तों? ब्रेसिका जंसिका किसके बीज की है? तो दोस्तों है ब्रेसिका ओलेरेसिया तथा ब्रेसिका नाइग्रा। तो आपका नंबर हमारा वी राइट होगा 43 का। नेक्स्ट होगा 44 दिया है, रेप सीड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट होगा 45, 45 में दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी विधि का उपयोग किस करके सरसों की कौन सी किस्म विकसित की गई? जो सोमा क्लोन वेरिएशन है इसका उपयोग करके कौन सी किस्म निकाली गई? तो दोस्तों वो निकाली गई पूसा जय किसान। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 35, 45 का। नेक्स्ट होगा 46 दिया है कि लियर कहाँ तेलों को कहा जाता है दोस्तों? लियर तेलों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है सिंगल लो या सिंगल जीरो। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट होगा 47 दिया है कि कैनोला शब्द को रैप सीड की उन किस्मों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिसमें होता है, क्या क्या होता है दोस्तों? उसमें ए और बी दोनों होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा राइट, ठीक है। तेल 2% में कम यूरिक एसिड होना चाहिए तथा 30 में उसे कम ग्लूकोसाइलोनोटेलेटस होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा 47 का। नेक्स्ट होगा 48 कि मटर में एंड्रोसियम होते हैं, एंड्रोसियम होते हैं मटर में, क्या कितने एंड्रोसियम होते हैं दोस्तों? 9 + 1 पुंकेसर और डायडेल्फस। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हुआ 49 का, 48 का। नेक्स्ट होगा 49 की आलू की फसल का उद्भव केंद्र है दोस्तों क्या है? वो है पेरू और बोवलिया। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो, इसके चलेंगे 50 में दिया है कि आलू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी के सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट का 51 की आलू कंद रूपांतरित है दोस्तों? आलू का कंद जो है रूपात्मक रूप है किसका है? क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 का करेक्ट आंसर हमारा है वो सभी का ये जो है कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी डी राइट होगा 51 में। नेक्स्ट होगा 52 दिया है, आलू के कंद में किस प्रकार के ग्लाइकोसाइनाइड होते हैं? ग्लाइको एल्कोलाइड होते हैं दोस्तों। किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? वो होते हैं ए और बी दोनों, अल्फा सोलिनिन तथा अल्फा चोकोनिन। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ऑक्सीडेटेड एंथोसाइनिन ताज़ा भार और कैरोटीनाइड ताज़ा भार से भरपूर आलू की नई किस्म बनाएगी दोस्तों? कौन सी है? वो है कुफरी लीमा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, कुफरी लीमा 53 का। नेक्स्ट होगा 54 दिया है कि टमाटर का वनस्पति नाम क्या है दोस्तों? टमाटर का वनस्पति नाम सोलेनम लाइको पर्सिकम स्कोलेंटम तथा लाइगो पर्सिकम स्कोलेंटम मिलर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी राइट हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन सी, ठीक है। 55 होगा कि मानव उपयोग के लिए लाइसेंस दिए जाने वाला पहला व्यावसायिक रूप से उपजाऊ अनुवांशिक रूप इंजीनिडर टमाटर है दोस्तों? कौन सा टमाटर है? क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 का करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ए, यानी फ्लेवर सेवर टमाटर, फ्लेवर सेवर टमाटर ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट होगा 56 टमाटर का उत्पत्ति केंद्र है दोस्तों क्या है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो ऑप्शन नंबर सॉरी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका ऑप्शन ए राइट होगा 56 का। नेक्स्ट होगा 57 की टमाटर का पोलाइडी स्तर क्या है दोस्तों? टमाटर का पोलाइडी स्तर क्या है? वो है 2N = 2X = 24, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट होगा 58 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग
मटर में स्त्री केसर और पुंकेसर को घेरता है। क्वेश्चन नंबर 58 होगा। 58 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सयपत्र, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट होगा 59। निम्नलिखित में से किस सब्जी में फसल को सुरक्षात्मक भोजन माना जाता है, क्योंकि यह बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन तथा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। दोस्तों यहाँ होता है हमारा करेक्ट आंसर टोमेटो, ऑप्शन बी राइट होगा 59 का। नेक्स्ट होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करें, और इसके बाद में हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपना उच्च स्कोर जरूर बताएं कि आपका उसको कितना रहा है। कुछ दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बताएं कि भारत में सूरजमुखी को USSR से कब पुनर्स्थापित किया गया। तो दोस्तों सूरजमुखी को कब पुनर्स्थापित किया गया, तो किया गया था सन 1969 में, ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। तो गाइस प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने हर एक फ्रेंड के बाद शेयर करें। इसके बाद मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।